प्रयागराज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का मामला, जहां जेल में बंद तीनों आरोपियों आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के खिलाफ आज प्रयागराज की जिला अदालत तीनों आरोपियों पर आरोप तय करेगी। सीबीआई इस मामले में पहले ही जांच रिपोर्ट दाखिल कर चुका है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों पर जिला कोर्ट में तय होना है आरोप। आनंद गिरी इन दिनों जहां चित्रकूट जेल में बंद है, जबकि आद्या प्रसाद तिवारी को और साथ ही संदीप तिवारी को नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड मामला, जिसमें जिला अदालत आज आरोप तय करेगी। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोइन, कब ये सुनवाई होनी है और क्या संभावना है आज? आज दोपहर 2 बजे के करीब जो है ये पूरा मुकदमा जो है वो जिला अदालत की ट्रायल कोर्ट में सुना जाएगा। और आज तीनों आरोपी जो कि जेल में बंद हैं, चाहे वो आनंद गिरी हो, चाहे वो आद्या प्रसाद तिवारी हो, चाहे उनके बेटे संदीप तिवारी हो, तीनों लोगों पर चार्ज तय किया जाएगा। दरअसल पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी और सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। तो जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर संज्ञान लेते हुए जो ट्रायल कोर्ट है वो आज इस मामले में आरोप तय करेगा। तीनों आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे कि आखिरकार उन पर जो मुकदमा चलाया जाना है वो आईपीसी या की किन धाराओं में, आईपीसी की किन धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। और जो आरोप तय होंगे उन आरोपों की कॉपी जो है वो तीनों आरोपियों को दी जाएगी। और इसी जो चार्जशीट, जो आरोप आज तय किए जाएंगे, जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा आरोपियों पर, उसी आधार पर आगे जो है वो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। जो आरोपी हैं उनको अपना बचाव रखने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन है, जो अभियोजन पक्ष है, वो ये चाहेगा कि ये तीनों आरोपियों पर दोष साबित हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जा सके। तो इस पूरे मामले में आज बेहद अहम दिन है और आज देखने वाली बात ये होगी कि किन किन धाराओं में तीनों आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होता है। बिल्कुल मोइना, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल ये अहम खबर, जहां जिस मामले में सुनवाई होनी है और देखना होगा कि कोर्ट क्या इस पर फैसला लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।